तो दोस्तों, आज मैं आपको भारत के सभी शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते उससे पहले, अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए ना एक लाइक भी कर देना। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला जो डांस है वो है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का एक क्लासिकल डांस है, और ये डांस कुछ इस तरह से परफॉर्म किया जाता है। हमारा अगला जो डांस है वो है कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है, और ये डांस कुछ इस तरह से परफॉर्म किया जाता है। हमारा अगला जो डांस है वो है कथकली, जो कि केरला का एक क्लासिकल डांस है, और ये डांस कुछ इस तरह से परफॉर्म किया जाता है। हमारा अगला जो डांस है वो है मोहिनीअट्टम, जो कि केरला का ही एक क्लासिकल डांस है, और आप लोग एक बात याद रखना कि केरला में टोटल दो क्लासिकल डांसेस है, तो ये डांस कुछ इस तरह से परफॉर्म किया जाता है। हमारा अगला जो डांस है वो है कुचिपुड़ी, और ये आंध्र प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है, और ये डांस कुछ इस तरह से परफॉर्म किया जाता है। हमारा अगला जो डांस है वो है मणिपुरी, जो कि मणिपुर का एक क्लासिकल डांस है, और ये डांस कुछ इस तरह से परफॉर्म किया जाता है। हमारा अगला जो डांस है वो है उड़ीसी, जो कि उड़ीसा का एक क्लासिकल डांस है, और ये डांस कुछ इस तरह से परफॉर्म किया जाता है। हमारा आखिरी जो डांस है वो है सत्रिया, जो कि आसाम का एक क्लासिकल डांस है, और ये डांस कुछ इस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको आठों के आठों क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया के बारे में बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना, एक लाइक जरूर से कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो पर।